हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज चाचा शेयर उनके उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो ए शेयर आपका फ्राइडे को क्लोज हुआ 69.30। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि 30 सितंबर को इस शेयर को मैंने लगभग 64-65 में बोला था कि अभी बाय सिग्नल बन रहा है और इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 80 का, जो ऑलरेडी अभी एक महीना पूरा भी खत्म नहीं हुआ, ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। उसके बाद ए शेयर फिर से आपका डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है आपका 69.30। तो क्या करेंगे, पहले इसका फंडामेंटल फिर से देख लेंगे, क्योंकि हर रोज मेरे चैनल पे नया नया व्यूअर्स ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा फंडामेंटल उसको भी जानना जरूरी है। तो इसका जो एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है, इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 24,130.70 करोड़, ओके। और कंपनी के ऊपर आपका डेट है 4,833.78 करोड़। तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.18। किसी भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम आता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे एक से कम है। और एक अच्छी बात है, कंपनी के पास अभी कैश है 6,701.43 करोड़। मतलब कंपनी के पास सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे तो जो डेट है 4,833 करोड़ का इसको चुका सकता है। ओवरऑल का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 63.17%। ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। और एक अच्छा बात देखते हैं, ये जो 63.17% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे, ओके। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। ये शेयर आपका 25 अगस्त को चल रहा था लगभग 51 के करीब, तब से ये शेयर एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। और पहले भी मैंने इसको बाय के लिए बोला था कि बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, इसका टारगेट हो सकता है 80 का, जो ऑलरेडी 25 दिन के अंदर ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फिर से ये शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो एक जो नीचे की तरफ गिर रहा है एक अभी खरीदने का मौका, इसके बारे में मैं आगे जाकर बोलने वाला हूँ। तो अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चला आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आपका पर्पल कलर का स्ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, ए इसका एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है। ये शेयर गिरा है लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ नहीं सका। तो मेरे हिसाब से ये जो सपोर्ट लेवल है इसी प्राइस में अगर आप लोग इस शेयर को खरीदेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, और भी एक चीज बताना चाहूंगा कि ये शेयर 65 तक का मेरे हिसाब से जा सकता है, जाएगा ये कंफर्म नहीं, जा सकता है, लेकिन आगे चल के ये शेयर फिर से 80 का जो लेवल है उसको टच भी करेगा और हो सकता है कि 80 का लेवल को क्रॉस भी कर जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर आपका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। तो वीकली चार्ट देखने से पहले इसका आरएसआई एक बार देख लेते हैं। देखिए आरएसआई लगभग 60 का लेवल पे है और एमएसडी भी 0 पॉइंट से ऊपर है, लेकिन हम लोगों को पता ही है कि एक हफ्ते में, मतलब लास्ट हफ्ते में मार्केट में बहुत सारा करेक्शन हो चुका है, हर शेयर में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो इसी वजह से शेयर गिर रहा है। तो ये शेयर भी एक्सेप्शन नहीं है, ये शेयर में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। लेकिन मुझे जो लगता है ये जो गिरावट आया है ये आपका अच्छी के लिए आया है, मतलब हम लोगों को और एक बार खरीदने का मौका दे रहा है इस कंपनी में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। तो देखिए मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो इस जगह पे सुपर टेन ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बाय सिग्नल दिया है, इसके बाद इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है उसको भी तोड़ के, डे चार्ट के हिसाब से जो रेसिस्टेंस लेवल था उसको भी तोड़ के शेयर ऊपर गया था। लेकिन अभी वीकली चार्ट में जो नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस लेवल है डे चार्ट के हिसाब से उसको तोड़ नहीं पाया है। और आरएसआई देखिए अभी भी आपका 60 लेवल से ऊपर ही है और एमएसडी देखिए 0 पॉइंट से ऊपर है और लगातार दो हफ्ते से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए मैंने इसका मंथली चार्ट ओपन कर लिया, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है चार्ट में, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी महीने में सुपर टेन ने फिर से यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, यहाँ पे देखिए आरएसआई आपका 60 का लेवल को टच किया है, यहाँ पे देखिए एमएसडी 0 पॉइंट से ऊपर है और लगातार दो महीने से यहाँ पे ग्रीन कलर बना रहा है, मतलब मंथली चार्ट में भी हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर यहाँ से थोड़ा बहुत और गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 65 का लेवल तक जा सकता है, लेकिन ये लेवल भी खरीदने के लिए अच्छा है। अगर इस लेवल में भी आप लोग ये शेयर को खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से एक से दो महीने के अंदर ये शेयर फिर से आपका 80 का जो लेवल है वो अचीव कर लेगा और हो सकता है कि 80 का लेवल क्रॉस करके ऊपर भी चला जाए। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे अगर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे कुछ भी शेयर के बारे में कुछ टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है
उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है, कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है। धन्यवाद।